हेलो यूट्यूब, आज हम स्ट्रॉन्ग नंबर या कृष्णमूर्ति नंबर देखेंगे पाइथन में। तो स्ट्रॉन्ग या कृष्णमूर्ति नंबर होता क्या है? जो भी नंबर हम इंटर करते हैं उसके रिमाइंडर का फैक्टोरियल का सम अगर उस नंबर के बराबर आए तो उसको हम स्ट्रॉन्ग नंबर या कृष्णमूर्ति नंबर करते हैं। तो सबसे पहले तो एक फैक्टोरियल प्रोग्राम बनाएंगे हम। तो फैक्टोरियल प्रोग्राम के लिए हम देते हैं DEF। फैक्टोरियल प्रोग्राम बना लेते हैं, इसको कॉल करेंगे वहाँ फैक्टोरियल रिमाइंडर का निकालने के लिए। तो FACT इक्वल पैरामीटर में हम दे देते हैं n, जिसके थ्रू हम उसके रिमाइंडर को पास करेंगे। ये मेरा फैक्टोरियल हो गया, निकालना है तो हम एक एफ वेरिएबल लेते हैं, उसका वैल्यू 1 दे देते हैं, एफ हो गया। फॉर लूप लेंगे, फॉर i इन रेंज 1 से स्टार्ट होके n+1 तक जाएगा। n+1 तक किस लिए? तो पाइथन में जो फॉर रेंज का फंक्शन होता है वो लास्ट के -1 तक जाता है, इसलिए हम n तक ले जाना चाहते हैं, इसलिए n+1 दिए ताकि n तक वो मूव करे। अब करना है f=f(i). एक एक करके क्या है, i का वैल्यू बढ़ेगा और f के साथ इंटू होगा और रिटर्न कर देना है f को। जितना फैक्टोरियल आएगा उसको रिटर्न करेगा ये। अब क्या है, हम एक नंबर दे देते हैं, डिक्लेयर करते हैं नाम इंटीजर टाइप। अब हम एक स्ट्रॉन्ग नंबर का प्रोग्राम बनाते हैं, इंटीजर टाइप इनपुट मैसेज देते हैं इंटर एनी नंबर। नंबर दे दिए, इनपुट करवा दिए यूजर से। अब क्या है, हम एक एस वेरिएबल देते हैं जिसको 0 से इनिशियलाइज करते हैं, यहाँ पे सम निकालेंगे और एक टेम्प देते हैं ताकि नम के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, नम को हम बाद में कंपेयर करने के लिए लगेगा, इसलिए टेम्प इक्वल टू नम कर देते हैं। नम के वैल्यू टेम्प में कॉपी कर दिया। व्हाइल लूप लगाएंगे, व्हाइल टेम्प नॉट इक्वल टू 0। कब तक ये लूप चलेगा? जब तक कि टेम्प का वैल्यू 0 ना हो जाए। एक रिमाइंड है, REM वेरिएबल ले लेते हैं, इक्वल टू कर देते हैं टेम्प मॉडुलस 10। फिर हमें सम निकालना है फैक्टोरियल का, तो एस इक्वल टू एस प्लस फैक्ट REM। पैरामीटर हम दिए थे यहाँ फैक्ट फंक्शन में, तो क्या पैरामीटर हमें किसका जिसका निकालना है फैक्टोरियल उसका, तो किसका फैक्टोरियल निकालना है हमको, तो REM का रिमाइंडर का, तो रिमाइंडर हम पैरामीटर के थ्रू पास कर दिए। ये हो गया। अब क्या करना है हमें, टेम्प इक्वल टू टेम्प सॉरी यहाँ पे इंटीजर टाइप डिक्लेयर कर देना होगा ताकि फैक्ट्री ये फ्लोट में नहीं जाए, तो इसको हम दे देंगे टेम्प डिवाइडेड बाय 10। ये हो गया। अब कंडीशन चेकिंग लगाएंगे, इफ एस इक्वल टू एन नम, अगर होता है तब प्रिंट नंबर इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर, एल्स प्रिंट, यहाँ हम नंबर को दे देते हैं, तो किस नंबर को निकालना है, तो नम इज नॉट स्ट्रॉन्ग नंबर। अब इसको रन करेंगे, पहले देख लेते हैं रन करके। 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, 145 इज ए स्ट्रॉन्ग नंबर। अब हम दूसरा देखते हैं, 144 दे देते हैं, 144 इज नंबर इज नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर। तो स्ट्रॉन्ग नंबर, तो ये प्रोग्राम मेरा सिंपली बन गया। अब इसको समझेंगे काम कैसे बनाए हैं, तो देखते हैं नोट पैड में। सिंपली तो पहले तो फैक्टोरियल का क्या है, 1 से लेकर n तक है, यानी फर्स्ट टाइम जैसे ही हम 145 इंटर करते हैं तो उसका रिमाइंडर 5 निकलता है, तो 5 का फैक्टोरियल आता है 120। ये कैसे निकला, तो सिंपली आप एक समझिए, सबका अलग अलग से फैक्टोरियल निकलेगा। तो फैक्टोरियल f इक्वल टू 1 दे दिए हैं, f इक्वल टू 1, तो f इक्वल टू 1 है और f इक्वल टू f इंटू i, यानी फर्स्ट टाइम i का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, यानी f इक्वल टू हो जाएगा f इंटू 1। नेक्स्ट टाइम वही f इक्वल टू हो जाएगा
वन इंटू टू, फिर नेक्स्ट टाइम एफ इक्वल टू हो जाएगा टू इंटू थ्री, फिर नेक्स्ट टाइम एफ इक्वल टू हो जाएगा सिक्स इक्वल टू हो जाएगा सिक्स इंटू फोर, फिर नेक्स्ट टाइम एफ इक्वल टू हो जाएगा 24 इंटू फाइव। इस तरह एफ हो गया मेरा फर्स्ट, एफ का आ जाएगा 25 का आ जाएगा 120, फिर 4 का आ जाएगा मेरा 24, 4 का आ जाएगा 24 और 1 का 1, टोटल आ जाएगा 145। अब यहाँ समझेंगे टेंप जब तक नम नहीं जाता, यहाँ रिमाइंडर जैसे ही टेंप से डिवाइड करेंगे 145 का तो फर्स्ट रिमाइंडर 5 निकल जाएगा, 5 का 120 यहाँ फैक्टोरियल फंक्शन से निकल के सम में जुड़ जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच जाएगा, जैसे ही टेंप से डिवाइड करेंगे तो बच जाएगा 14, फिर यहाँ आएगा तो फिर चेक करेगा कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो फिर 14 का यहाँ रिमाइंडर निकलेगा 4, 4 का आ जाएगा 24, फिर यहाँ सम में जुड़ जाएगा 120 प्लस 24, फिर यहाँ जैसे ही इसको फिर जैसे ही यहाँ पे 10 से डिवाइड होगा तो 1 बच जाएगा, 1 का यहाँ पे कंडीशन अभी भी नहीं मिला है तो फिर 1 का रिमाइंडर 1 ही होगा तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 होगा तो फिर आ जाएगा 145, और यहाँ मेरा जैसे ही डिवाइड होगा तो वो 0 से नीचे चल जाएगा, जैसे ही 0 से नीचे चल जाएगा लूप बंद हो जाएगा, कंपेयर करेगा 145 सेम है, अगर सम इक्वल टू नम अगर दोनों सेम है तो प्रिंट करेगा नंबर स्ट्रांग नंबर है या नहीं है तो स्ट्रांग नंबर नहीं है। इस तरह आप आसानी से स्ट्रांग नंबर का प्रोग्राम पाइथन में बना सकते हैं। 154 देखते हैं नॉट ए स्ट्रॉन्ग नंबर, और 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर या कृष्णमूर्ति नंबर यही है। थैंक फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर वीडियो।